एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लगाने जा रही हूँ दही हेयर मास्क। इस मास्क को लगाने से जो है बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, तो मैं आपको सारे फ़ायदे बताऊंगी एंड उसके साथ साथ मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके फ़ायदे की। तो दही हेयर मास्क को लगाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इससे बाल जो है सिल्की एंड शाइनी होते हैं, और ये आपके बालों के, अगर आप इसको जड़ों में लगाते हैं बालों को, तो ये उसे पोषण देकर उन्हें मजबूत बनाता है। इससे डैंड्रफ को भी आसानी से दूर किया जा सकता है, जैसे हमारे बाल ड्राई एंड फ्रिजी हो जाते हैं, तो इसको लगाने से वो भी सॉफ्ट हो जाते हैं, सिल्की हो जाते हैं। तो इस मास्क को हमें महीने में 2 या 3 बार यूज़ करना चाहिए, और अगर आप 2 या 3 बार भी नहीं लगा सकते तो कम से कम 1 या 2 बार तो ज़रूर लगाइए। एक बार ही लगा लीजिए महीने में, क्योंकि आजकल क्या होता है, टाइम होता नहीं है किसी के पास, तो सब जल्दी जल्दी में ही रहते हैं, बट एटलीस्ट एक बार तो लगाने की कोशिश ज़रूर कीजिए। आपको पता है गाइज, मैं पहले जो है बचपन में स्कूल टाइम में शैम्पू का यूज़ ही नहीं करती थी। मैं अपने बाल जो है दही एंड जो मट्ठा होता है ना, जो दही से ही बनता है, मैं उसको ही अपने बालों में लगाती थी। मतलब उससे मैं अपना हेयर वॉश करती थी, मैं नहीं बल्कि मेरी दादी करती थी, क्योंकि उस टाइम मेरी दादी थी मेरे साथ, तो वो मेरे बालों की बहुत ज़्यादा देखभाल करती थी एंड वो ही मेरे बाल इन सब चीज़ों से ही धोती थी। शैम्पू का यूज़ ही नहीं करती थी मैं, क्योंकि इसमें केमिकल्स वगैरह इतने होते हैं, तो उससे मेरे बाल क्या बहुत ज़्यादा शाइनी, तो मेरे बाल बचपन से ही सिल्की एंड शाइनी तो है एंड मजबूत भी होते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे हो चुके थे मेरे बाल, एंड जो एक मुल्तानी मिट्टी भी होती है ना, तो उसका भी यूज़ करती थी दादी, तो इन सब चीज़ों से ही मेरे बाल को धो देती थी। उसकी वजह से मेरे बाल इतने लंबे एंड मजबूत भी थे उस टाइम ना। मैं अपने लंबे बालों से बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि मुझे ऐसा मतलब लगता नहीं था कि मुझे लंबे बाल करने चाहिए या वो बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसा कुछ मेरे मन में कुछ भी नहीं था लंबे बालों का। तो मैं दादी को बोलती थी कि आप मेरे इतने लंबे बाल क्यों कर रही हो, बट उनको शायद शौक था, तो वो करती थी मेरे बालों की अच्छे से देखभाल। उसके बाद वो नहीं रही, तो उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने अपने बाल भी कटवा लिए एंड मैंने अपने बालों की केयर करनी छोड़ दी, फिर शैम्पू वगैरह यूज़ करने लगी एंड उससे मेरे बाल क्या हुआ, बहुत ज़्यादा हल्के हो गए एंड जितने मैंने कटवाए थे वो वहीं के वहीं रुक गए, उससे आगे बढ़े ही नहीं। फिर ऐसे ही चलता रहा कई साल। उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा हल्के हो चुके थे, तो मुझे लगा कि अब ये कभी कुछ दिनों में ये भी ना रहे, इसलिए मैंने उनकी केयर करनी शुरू कर दी। कुछ महीने से ही मैं उनकी केयर करनी शुरू की है मैंने, ट्रस्ट मी गाइस, उसका फ़र्क पड़ा है। जो जो मैंने चीज़ें किया उससे मेरे बाल बहुत लंबे भी हुए हैं, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखना कि मैंने क्या क्या चीज़ें यूज़ की, क्या क्या चीज़ें अपनाई एंड जिससे मेरे बाल लंबे और मजबूत भी हुए हैं। तो आप भी इन सब चीज़ों को ज़रूर ट्राई करना। तो अभी जो है मैं दही हेयर मास्क अपनी ताईजी से लगवा रही हूँ, क्योंकि अगर हम किसी और से लगवाते हैं ना, तो क्या होता है वो हमारे बालों में अच्छे से लग जाता है एंड जब बाल लंबे, अगर छोटे बाल होते हैं तो ठीक है फिर भी खुद लगा लो, लेकिन अगर लंबे बाल होते हैं ना, तो उसमें लगाते लगाते ही हाथ दुखने लगते हैं, मेरे तो बहुत ज़्यादा हाथ दुखते हैं, क्योंकि लंबे बाल है, लगाते रहो और अच्छे से लगता भी नहीं है जड़ों तक, इसलिए किसी और से लगवाना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तो मैंने अपने ताई जी से लगवाई थी अपने बालों में दही, ताकि वो अच्छे से जड़ों तक जाए एंड उसके बहुत सारे फ़ायदे भी मिलेंगे। जड़ों तक जाएगा तभी बाल अंदर से ही मजबूत होंगे ना, ऐसे बार बार लगाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना। एंड अब जो है ताई जी मेरा बन बना रही है, आप इन सबको लगाने के बाद एक बन बना लीजिए, इसको आप 20 से 30 मिनट तक रख सकते हैं, या फिर जब तक थोड़ा ड्राई हो जाए उसके बाद आप इसको अच्छे से हेयर वॉश कर लीजिए एंड उसके बाद आप फ़र्क देखना। एक बारी में भी थोड़ा बहुत मिलता है, अगर हम रेगुलर यूज़ करते हैं, मतलब करते रहते हैं, तो उससे और ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा आपके बालों पे, और ज़्यादा सिल्की एंड शाइनी होंगे। तो ताई जी ने मेरा बन बना दिया है, तो अब मैं इसको 20 से 30 मिनट के लिए रखूँगी एंड उसके बाद आप रिजल्ट देखना कि ये मेरे बाल कैसे लगे। अभी जो है दही बच गई थी थोड़ी, तो मैंने क्या किया इसको अपने फेस पर मसाज कर ली दही से, क्योंकि दही फेस के लिए भी अच्छी होती है, खाने के लिए भी अच्छी होती है, बालों के लिए अच्छी होती है एंड फेस के लिए भी अच्छी होती है। तो मैंने अपने फेस पे लगा ली एंड अब गाइस मैंने अपना हेयर वॉश कर लिया है 30 मिनट के बाद।
अभी मैंने कॉम्ब नहीं किया है, बस ऐसे ही मैं अपने बाल दिखा रही हूँ, क्योंकि अभी मैं अभी हेयर वॉश करके आई हूँ, तो अभी कॉम्ब बाद में करूँगी। तो अभी मेरे बाल ऐसे हैं, देख लीजिए आप। उसके बाद मैं आपको अच्छे से रेडी होके छत पे जाके दिखाऊंगी जब मेरे बाल अच्छे से ड्राई हो जाएंगे। अभी मेरे बाल गीले हैं। अब मेरे बाल सूख चुके हैं एंड गाइस बताओ शाइनिंग आ रही है? नहीं आ रही है ना शाइनिंग, क्योंकि ये चीजें लगाने से फर्क पड़ता है, इसलिए मेरे बालों में देखो अभी मेरे बाल कितने अच्छे लगे। एंड गाइस ट्रस्ट मी, मैंने कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ ड्राई करने के बाद कॉम्ब किया है अपने बालों में, एंड उसका रिजल्ट आप खुद ही देख सकते हैं इन चीजों का। तो गाइज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय।